Hello students, so this is the last part of your chapter third, that is synthetic fibers in plastic. So कैसे हो आप सब? आज की स्लाइड में, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपके जो पूरे चैप्टर की रिवीजन, दैट इज योर क्वेश्चन आंसर, योर एमसीक्यूज, योर ऑड वन आउट, पिक ऑड वन आउट, एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो. सो काइंडली वॉच टिल द एंड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल अस एट sps.inquiry@gmail.com. वी हैव ऑल्सो गिवन यू द नंबर. You can mail, you can WhatsApp us there also. So let's get started. So the question number one is, name the monomer of polythene. Monomer क्या होता है? एक single chain में जो आपकी सारी की सारी में लगे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं monomer. Okay? So जैसे कि ये single chain हमारी बन गई इस तरीके से, ये आपका मोनोमर बन गया है एक सिंगल चेन में जब आपके एटम जो है लगे होते हैं. देन नेम द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन. पॉलीथीन का मोनोमर है आपका क्या? ये बनता है इस तरीके से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पर N. ओके, नेम द कंपाउंड विच इज कमर्शियली नोन एज टेफलॉन. कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कमर्शियली टेफलॉन के नाम से जाना जाता है? तो इट इज टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, PTFE कल करा था हमने, PTFE इट इज टेट्राफ्लोरो इथाइलिन. देन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर. ये जो आपका प्रेशर कुकर है उसका हैंडल होता है वो किस चीज से बनता है? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो हमने कल किया था कि थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग में क्या फर्क है. तो ये बनता है आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर से, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से. और कौन सा होता है मटेरियल यूज? इट इज बेकलाइट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ट्रांसपेरेंट. सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कौन सा होता है आपका? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल फ्लोराइड या पॉलिस्ट्रीन, बताइए. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पॉलीथीन. देन वी हैव पॉलीविनाइल फ्लोराइड एंड वी हैव एज पॉलिस्ट्रीन, POLYSTYRENE. टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ट्रांसपेरेंट. सो यहाँ पर पॉलीथीन नहीं होगा, 90% बच्चे पॉलीथीन लगा के आएंगे. सो द आंसर इज पॉलिस्ट्रायरिन. ओके, हाउ इज द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ PVC यूज्ड इन इंडस्ट्री. ये जो आपकी PVC की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से यूज होती है इंडस्ट्रीज में? तो यहाँ पर हमने PVC के बताई थी, कई जगह पर आपकी PVC के वायर्स यूज होती हैं. क्यों? ताकि जो उसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है करंट को ना पास करने की, तो इस वजह से हम PVC को यूज करते हैं. अपने घरों में भी हम PVC क्यों यूज करते हैं? बिकॉज उसमें से करंट जो है, इट्स अ बैड कंडक्टर, इट्स बेसिकली इंसुलेटर फॉर करंट. ओके, अब ये जो है इंडस्ट्रीज में किस तरीके से यूज होता है, यू हैव टू चेक इट. चलिए, What are the small molecules which make chain-like molecules of a polymer called? उन molecules को, उन छोटे molecules को क्या बोला जाता है जो chain-like molecules of polymer बनाते हैं? तो they are known as your monomer. Okay, एक chain की तरह जो है molecule of polymer बना देते हैं, तो इनको बोला जाता है monomers. MONOMERS. Name the two fibers that are blended to obtain terricot. Terricot का कल हमने करा था, कौन कौन से दो fibers का बनके जो है terricot बनता है. तो it is first is terrylene, and terrylene के साथ में अगर आप cotton को mix कर देते हो you get terricot. Which fibers are non-biodegradable? Non-biodegradable कौन से fibers होते हैं? So एक तो होते natural fibers. Natural fibers में आपके आ जाता है cotton, jute, silk, and the other one is non-biodegradable, जो degrade नहीं होता. Bacteria जो उसके ऊपर act करते हैं, आपके air, water ये सब act करते हैं, तो वो degrade नहीं होता. तो ये non-biodegradable कौन से fibers होते हैं? They are synthetic fibers. मार्केट, आर दी हैंडल्स एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश मेड ऑफ सेम मटीरियल. जो आपके हैंडल हैं और आपके टूथब्रश है, क्या वो सेम मटीरियल से बनते? नहीं, ये सेम मटीरियल से नहीं बनते. और ये यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके हैंडल जो हैं वो तो हमने ऊपर डिस्कस ही कर लिया है, तो ये जो ब्रिसल्स हैं टूथब्रश के, ये कौन से मटीरियल से बनते हैं? कल ही मैंने आपको ये चीज़ कराई है. विच टाइप ऑफ प्लास्टिक्स कैन नॉट बी प्रोसेस्ड अगेन एंड अगेन. फिर से वही क्वेश्चन कि कौन सी प्लास्टिक आपकी हम प्रोसेस नहीं कर सकते बार बार, तो इट इज थर्मोसेटिंग.
Okay. So kindly wait, I'm just coming in 2 minutes. I'm sorry for the interruption. Yeah. So let's move further and let's see our questions. Short answer in questions, mention 2 main uses of polyester fiber. Polyester fiber के 2 main use आपको बताने हैं, क्या क्या होते हैं. सबसे पहले पॉज करो, याद करो और फिर मुझे बताओ कि इसके 2 use क्या क्या होते हैं आपके polyester fiber के. बताइए. सो जो आपका पॉलिएस्टर फाइबर है, बेसिकली इसके 2 यूज हैं आपके. कि पहला प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं, पहला पॉलिएस्टर की. पॉलिएस्टर में आपको बताती हूँ कि कौन कौन से मटेरियल है, कि पॉलिएस्टर फाइबर कौन कौन से होते हैं. योर टेरिलीन, डेक्रॉन एंड टेरीन, ये सब होते हैं आपके पॉलिएस्टर फाइबर्स. देन दे कैन आस्क यू कि ये जो पॉलिएस्टर फाइबर्स हैं ये बनते कैसे हैं. तो दे आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ओके. एंड पॉलिएस्टर फाइबर जो है आपका बनेगा कैसे, प्रिपेयर कैसे होगा. बाय द रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड्स विद देयर रिपीटेड यूनिट्स. नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ योर पॉलिएस्टर फाइबर. फर्स्ट ऑफ ऑल इज पॉलिएस्टर फाइबर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग. सो फैब्रिक्स जो पॉलिएस्टर फाइबर से बनते हैं ये काफी दिन तक टिकते हैं, दे लास्ट लॉन्गर. देन पॉलिएस्टर फाइबर जो बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करता है, देयरफॉर जो क्लोथ्स इससे बनाए जाते हैं पॉलिएस्टर से, जल्दी से ये सूख जाते हैं. ऑल्सो ये रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब आपको इन कपड़ों पे प्रेस मारने की जरूरत नहीं है. ये जो पॉलिएस्टर के कपड़े हैं ये इस तरीके से होते हैं कि इनमें रिंकल्स नहीं पड़ते, कोई क्रीज नहीं पड़ती. नाउ दे हैव आस्क्ड यू 2 main uses ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर. तो पहला यूज है कि मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज, ड्रेस मटेरियल एंड योर कर्टन क्लोथ. दूसरा है आपका फॉर मेकिंग ब्लेंड्स विद अदर फाइबर्स, जैसे कि टेरिलीन को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं, इट गिव्स टेरिकॉट. सिमिलरली इफ वी मिक्स वूल विद वूल, इफ वी मिक्स टेरिलीन विद वूल, वी गेट टेरी वूल, जो हमने अभी डिस्कस किया था. फॉर मेकिंग सेल्स फॉर द सेल बोट्स, फॉर मेकिंग वाटर हॉर्सेस फॉर फायर फाइटिंग एंड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, वी यूज योर पॉलिएस्टर फाइबर. Then we have next question is, illustrate with a simple example, simple diagram, a linear polymer and a cross-linked polymer. ये आपको पढ़ना पड़ेगा, okay? Competition में ये सब नहीं पूछा जाता. नीचे चलते हैं. What are biodegradable materials या substances? Biodegradable material या substances कौन से होते हैं? ये वो substances होते हैं जो degrade होने के बाद में, जब इनके ऊपर बैक्टीरिया का एक्शन होता है, एयर, वाटर, हवा, पानी, सॉइल, ये सब चीज़ें जब एक्ट करती हैं इसके ऊपर, तो ये जो मटेरियल है ये गैसेस नहीं छोड़ते, टॉक्सिक मटेरियल जो है प्रोड्यूस नहीं करते आपकी अर्थ में. सो दे आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल. तो बायोडिग्रेडेबल में कौन कौन से हैं आपके? किचन वेस्ट हो गया आपका, आपका कैसा भी वेस्ट हो गया, बट इट शुड बी अ बायोडिग्रेडेबल बायो मटीरियल. ओके. ये प्लास्टिक वगैरह ये होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल. मेंशन 2 properties ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर. सिंथेटिक पॉलीमर की 2 properties मेंशन करनी है आपको. बताइए. सो इसको भी आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर. जैसे ही आप बुक पढ़ेंगे या फिर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज मेंशन कराई हुई हैं कि इसकी क्या होती है सिंथेटिक फाइबर्स की. चलो फिर भी हम कर लेते हैं. पहला, सिंथेटिक फाइबर दे डज नॉट गेट वेट, ये गीले नहीं होते. सो जो फैब्रिक्स बनते हैं सिंथेटिक फाइबर से, दे ड्राई अप क्विकली. दूसरा, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं. फाइबर्स फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स दे लास्ट लॉन्ग, सॉरी फैब्रिक्स जो बनते हैं सिंथेटिक फाइबर से दे लास्ट लॉन्ग. थर्ड वन इज सिंथेटिक फाइबर्स दे कैन बी ड्रॉन इन टू फाइन थिकनेस, ये फाइन थिकनेस में वी कैन ड्रॉ देम, सो दे आर वेरी लाइट वेट. फोर्थ प्रॉपर्टी इज सिंथेटिक फाइबर्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हैव हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड आर एब्रेशन रेजिस्टेंट. फिफ्थ वन इज दे आर चीपर, राइट.
चलिए नीचे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. एंड इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड. तो इसमें मान लो मैंने आपको कोई ऑप्शंस दे दिए, जैसे कि टेलीफोन, क्या ये रिसाइकल हो सकता है बताना. वी हैव कैरी बैग्स, क्या ये रिसाइकल हो सकते हैं. बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक कवरिंग. तो ये बताओ इसमें से क्या इलेक्ट्रिकल स्विच हम रिसाइकल कर सकते हैं, हम प्लास्टिक टॉयज को भी रिसाइकल कर सकते हैं, हम पीवीसी शूज को भी रिसाइकल कर सकते हैं, इवन योर टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट आल्सो वी कैन रिसाइकल इट, कैरी बैग्स आल्सो वी कैन रिसाइकल, बॉल पॉइंट पेन आल्सो, बिकॉज हम प्लास्टिक को क्या करते हैं रिसाइकल करके अगेन उसकी मोल्डिंग कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ योर इलेक्ट्रिकल स्विचेस वी कैन नॉट रिसाइकल इट अगेन, राइट. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे कि हाउ डज अ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल डिफर फ्रॉम थर्मोसेटिंग मटेरियल. तो ये हमने करा था कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल थर्मोसेटिंग मटेरियल से अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है. वो इसलिए है कि थर्मोप्लास्टिक में अगर हम एक बार उसको हीट अप करते हैं, मान लो एक बार हमने कास्ट कर दिया, उसको वापस हीट करेंगे, तो हम उसको जितनी बार भी हीट करेंगे हम उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप से मोल्ड कर सकते हैं आफ्टर योर हीटिंग अगेन एंड अगेन. बट इन केस ऑफ योर थर्मोसेटिंग पॉलीमर, एक बार हमने उसको हीट करके उसकी मोल्ड करके उसको शेप प्रोवाइड कर दी, उसको दोबारा से हम रीशेप या रीमोल्ड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं कर सकते. ओके चलिए, देन Another question is, if they ask you कि examples आपको बताने हो तो आप example आए हो आप बता देंगे कि thermosetting plastic जो है उसके example हैं आपके bakelite, melamine, formaldehyde and resin. And if they ask you the examples of thermoplastic, so you have polythene, PVC, polystyrene, nylon and polyesters. Okay. So moving further, this is और पिक ऑड वन आउट, यहाँ से ऑड वन आउट पिक करना है. वूल, कॉटन, कोल, प्लास्टिक एंड डायमंड. तो योर प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो प्लास्टिक इज ऑड वन आउट. कॉटन, वूल, नायलॉन एंड सिल्क. नायलॉन ऑड वन आउट, क्यों, ये सारे नेचुरल फाइबर्स हैं, ये सिंथेटिक है नायलॉन. देन वी हैव पीवीसी, नायलॉन, पॉलीथीन, बेकेलाइट एंड पॉलीस्ट्रीन. तो बेकेलाइट जो है आपका ये पॉलीसेटिंग पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग सॉरी. देन वी हैव पॉलीथीन, पी वी सी, पॉलिस्ट्रीन एंड टेफलॉन. तो ऑड वन आउट इसका है टेफलॉन. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एल्यूमिनियम कैन, ग्लास और पेपर. तो इनमें से जो पेपर है इट इज ऑड वन आउट. ठीक है चलिए नीचे चलते हैं. डिफाइन आपको करना है नायलॉन फाइबर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स दैट यू कैन डू. एडवांटेजेस ऑफ क्लॉथ्स मेक फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, अभी हमने एडवांटेजेस डिस्कस करें. रिसाइकलिंग, ये सब भी पता है आपको, रिसाइकल करने का मतलब क्या होता है. डिफरेंस आपको थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स के बीच मैंने अच्छे से बता दिया है, बहुत बार बता दिया, हर स्लाइड में बताया. अब आपको चलते हैं कि सर्टेन प्लास्टिक आइटम्स दे आर अनब्रेकेबल, तो इनको क्या बोलते हो आप जो अनब्रेकेबल होते हैं. तो बेसिकली ये होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. और ये इस मटेरियल को क्या बोलते हो आप, इस मटेरियल को बोलते हो मेलेमाइन. ठीक है, मेलेमाइन ऐसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं जिसको अगर एक बार मोल्ड कर दिया तो दे कैनॉट बी सॉफ्टन्ड ऑन हीटिंग अगेन. ठीक है, अब मेलेमाइन कोटिंग जो होती है यूनिफॉर्म पे वो भी अवॉइड करती है, कि जैसे जो फायरमैन होते हैं, देन दे कैन आस्क यू जो फायरमैन है आपके उनकी जो ड्रेस की कोटिंग वगैरह ऊपर की वो होती है वो किस चीज से बनी होती है, तो वो होती है मेलेमाइन की कोटिंग. क्योंकि एक बार वो कोटिंग हो जाती है तो वो इसलिए होती है कि दोबारा से कुछ वो यूनिफॉर्म क्या है जले ना, और जलने के बाद जो है फायरमैन को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर से बना होता है उनकी ड्रेस. थर्मोसेटिंग में क्या है, एक बार हमने शेप दे दी, उसके बाद में हीट अप करके हम उसको दोबारा से रिमोल्ड नहीं कर सकते, दोबारा से हीट अप नहीं होते. तो इसलिए अगर फायरमैन जो होते हैं वो इसकी ड्रेसेस पहनते हैं, ताकि अगर बाई चांस कभी जहां भी जाएं और अगर फायर वायर के बीच में जाते हैं तो उनको कोई जो है उनकी जो ड्रेस है जो उनके कपड़े हैं वो हीट अप होके मेल्ट ना हो और उनको नुकसान ना पहुंचाए. ठीक है, विच प्रॉपर्टीज ऑफ मेलेमाइन फॉर्म्स. तो फिर यही है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रॉपर्टीज ऑफ मेलेमाइन फॉर्म द बेसिस ऑफ इट्स यूज एज कोटिंग ऑन फायर रेजिस्टेंट यूनिफॉर्म. अभी डिस्कस किया है कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर यूज होते हैं इसमें. चलिए, नाउ द सिंथेटिक फाइबर्स विच रिजेंबल सिल्क इन टेक्सचर. तो सिल्क जो है वो टेक्सचर में कौन सा है, इसमें जो है विच सिंथेटिक फाइबर रिजेंबल सिल्क, तो रेयॉन.
नाउ द फाइबर दैट बर्न्स रेडिली विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, कल ही हमने किया है ये करना जरा. देन प्लास्टिक विच कैनॉट बी रिसाइकल्ड, कौन सा प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता इसमें से, टेरेलिन, पॉलिस्ट्रीन, बेकेलाइट, पॉलीथीन, बताना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्रा फ्लोरोइथीन, ये बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है, पीवीसी, टेफ्लॉन, बेकेलाइट या नायलॉन, बताना. अब हमारे पास वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आपका राइट ऑड वन वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. तो पहला है आपका द लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो उसको क्या बोलते हो आप, मोनोमर्स. देन वी हैव अ मैन मेड फाइबर विथ सिल्की टेक्सचर, ये क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि द मैन मेड फाइबर हैविंग सिल्की टेक्सचर इज रेयॉन. द नेचुरल फाइबर दैट बर्न्स विद द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, जो जब वो बर्न होता है तो एक बर्निंग हेयर की तरह स्मेल आती है, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था आपसे. तो योर आंसर इज वूल, सिंथेटिक मटीरियल विच कैन बी इजिली मोल्डेड इन टू एनी डिजायर्ड शेप ऑन हीटिंग, किसी भी डिजायर्ड शेप में हम मोल्ड कर सकते हैं ऑन हीटिंग, इट इज थर्मो प्लास्टिक. अ पॉलीमर यूज इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर, जो नॉन स्टिक कुकवेयर बनते हैं उसमें कौन सा पॉलीमर यूज होता है, वी यूज टेफ्लॉन देयर. ओके, अब कुछ मैच द फॉलोइंग है, आई गेस ये आप कर लेंगे, बट मैं आपको मैच द फॉलोइंग मैंने लिखे नहीं है यहाँ पर, मैं सिर्फ डायरेक्टली बताती हूँ आपको. बायोडिग्रेडेबल के साथ अगर आपको मैच कराना है तो क्या होता है बायोडिग्रेडेबल, नेचुरल फाइबर्स आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं. क्विक ड्राइंग, क्विक ड्राइंग में क्या होता है आपका, ये जो आपके सिंथेटिक वूल होता है इट इज क्विक ड्राइंग. एक्रिलिक फाइबर इफ दे आस्क यू इट्स कॉटन. सेल्यूलोस तो पॉलिथीन के साथ मैच होगा, थर्मोप्लास्टिक आई एम सॉरी सेल्यूलोस होगा आपका सिंथेटिक वूल के साथ, एंड थर्मोप्लास्टिक तो होगा ये पॉलिथीन के साथ. आई होप थिंग्स आर क्लियर फ्रॉम माय साइड, दिस चैप्टर इज ओवर नाउ, वी डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट इन दिस चैप्टर. फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर आवर फुल एनसीईआरटी. It's very important for all competitive exams, your SSC, UPSC, every exam. So let's do some more questions. They are left. Which of the following can be heated and remolded into any shape? आपके polythene, PVC, nylon या फिर all of these? तो answer is all of these. Which of the following is not a property of plastic? इसमें से कौन सी property plastic की नहीं है? पहला non-conductor of heat, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन बायोडिग्रेडेबल या फिर सॉल्यूबल इन वाटर. तो सॉल्यूबल इन वाटर इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, ठीक है. चले, सिंथेटिक फाइबर्स क्या एब्जॉर्ब नहीं करते, सिंथेटिक फाइबर आपके वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते. सिंथेटिक पॉलीमर्स कहाँ पर बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में या फिर फैक्ट्री में, फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स. थर्मोप्लास्टिक दे कैन बी, क्या इनको रिमोल्ड किया जा सकता है, तो येस थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिमोल्डेड बाय थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कैन नॉट बी. द फोर्थ वन इज केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन इज PTFE, ठीक है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, द केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन. देन वी हैव पॉलीथीन, पॉलीथीन किस चीज का, वो है पॉलीमर, इट इज अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन. सो स्टूडेंट्स गुड लक, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे होम. फ्रॉम टुमारो आई एम गोना स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, टिल देन गुड लक.